नमस्कार दोस्तों, इन फोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपके लिहाज से यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही जरूरी सूचना। जैसा कि आप में से ज्यादातर लोगों का एक प्रश्न रहता है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, वैकेंसी कितनी होंगी, कब तक हमारे एग्जाम होने की संभावना है, तो आज हम उन सभी विषयों पर बात कर रहे होंगे। एक छोटा सा प्रमाण या एविडेंस हमें मिला है जिससे यह अंदाजा लगता है कि वैकेंसी जो आने की एक हवा उड़ रही है मार्केट में, वो उसमें कितनी सत्यता है, इस बात की पुष्टि होती है। आज का ये वीडियो हमारे दो भागों में होगा। पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि ये नोटिफिकेशन या एग्जाम कब तक होने की संभावना है, उसके साथ ही हम यह भी बताने की चेष्टा करेंगे कि आप लोग सेल्फ स्टडी से अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें किस तरीके से आप लोग किस दिशा में तैयारी कर सकते हैं, और साथ ही उसमें हम लोग आपकी क्या मदद कर सकते हैं, और फ्री जो भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को ये कार्यालय ज्ञाप मिला है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, तो उसमें देखते हैं। ये हालांकि बहुत धुंधला है, इसको हम हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर हम लोग इसकी पीडीएफ शेयर कर देंगे जिससे कि आप लोग इसको आसानी से पढ़ सकें। वैसे इसमें ये बात कही गई है, ये पीडीएफ आपकी ध्यान रहे, इस बात के लिहाज से भी जरूरी है कि आपका जो मेंस एग्जाम होगा उसमें आपका एक टॉपिक कार्यालय गैप का भी होता है। तो ये तो आप वैसे भी इसको अगर लिख लेंगे और सीधा सीधा आपका जो आरटीआई संबंधित किया है, आरटीआई लगाया था एक बच्चे ने, उसी का जवाब आया है लोक सेवा आयोग की तरफ से, तो ये आप कार्यालय गैप का एक उदाहरण भी दे सकते हैं जो आपका आरओ मेंस का एग्जाम होगा। फिलहाल इस कार्यालय ज्ञान में है क्या, तो अगर इसकी बात करें तो देखिए, इसमें ये बताया जा रहा है कि अभी जो भी अध्याचन आयोग को प्राप्त हो चुके हैं, जो भी विभिन्न विभागों से समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी के जितने भी रिक्त पद हैं, उनसे उनके संबंधित अध्याचन आयोग प्राप्त हो चुके हैं, परंतु उन अध्याचनों में कुछ विसंगतियां हैं जिसको लेकर आयोग ने पुनः उन विभागों को लिखा है, और जल्दी ही जैसे ही वो सभी अध्याचन पुनः उन लोग को प्राप्त हो जाएंगे सही तरीके से, उनके बाद वो लोग वैकेंसी यहाँ पर निकाल देंगे। इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि आप लोग आयोग की वेबसाइट से जुड़े रहे और जल्द ही ऐसी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। उसके साथ ही इसमें यह भी लिखा है कि इसमें कितने पद हैं, रिक्तियां हैं, यानी वैकेंसी कितनी है, इसके बारे में अभी कोई सूचना आयोग के पास नहीं है। वो कोई भी सूचना अभी जो है आयोग ने अदेय है, आयोग की तरफ से देय नहीं है। तो यहां से आप ये मान के चलिए कि ये जो आपकी वैकेंसी है, नोटिफिकेशन है, ये कहीं ना कहीं आपको इसी महीने ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2022 में ये वैकेंसी आनी थी और 2022 का अंतिम महीना जो है इस समय चल रहा है। और अगर मान लीजिए किन्हीं कारणों से ये देर हो भी जाती है तो भी आपको ये नेक्स्ट मंथ शुरुआत में देखने को मिल सकता है, परंतु ज्यादा हद तक संभावना ये है कि आपको इसी महीने में देखने को मिल जाए। दूसरी बात यह है कि जैसे कई लोग कह रहे थे कि पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, ऐसा कुछ है भी या नहीं है, तो ये आप मान के चलिए कि जब ये जो हमारा ये कार्यालय भी अब आया है लोक सेवा आयोग की तरफ से आया है, तो मतलब ये तो तय है कि आपकी वैकेंसी आ रही है। ठीक है, पहली बात तो ये तय। अगर आप पूछेंगे कि एग्जाम कब तक होने की संभावना है, तो देखिए जो आपका प्री एग्जाम है, प्री एग्जाम जो है वो लगभग अगर मान लीजिए दिसंबर में वैकेंसी आ जाती है तो आपका ये प्री एग्जाम तकरीबन आपका अप्रैल और मई के एक डेढ़ होने की संभावना है। 4 से 5 महीने लग जाते हैं जो इसका एक जो भी एक प्रोसीजर होता है उसको पूरा करने में। उसके बाद अगर हम लोग मेंस एग्जाम का देखें तो मेंस एग्जाम भी आपका सितंबर या अक्टूबर से पहले होने की संभावना नहीं है। तो अभी से अगर आप देखें तो लगभग आपके पास 10 से 11 महीने हैं इस पूरी परीक्षा की तैयारी करने के लिए। बहुत ही अच्छा पद है, इस पद की क्या सुविधाएं बेनिफिट रहते हैं, ये सारी बातों पर हमने वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर बना दिया है, और आरओ या प्लेलिस्ट करके आप हमारे चैनल पर इसको जाके देख भी सकते हैं। उसके साथ ही अब अगर बात करते हैं कि इस परीक्षा में लोग कैसे सेल्फ स्टडी से इसकी तैयारी कर सकते हैं, आपको किसी भी कोचिंग का सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको अपने कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि पहली बात कि अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आपके पास इस समय इतना मौका है कि आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। अभी लगभग 1 साल का समय है, और प्री में भी देखें तो अभी करीब 5 से 6 महीने का समय है। ये तो कम से कम वाली स्थिति है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकारी नौकरियों के जो भी फॉर्म होते हैं और जो उनका प्रोसीजर होता है वो थोड़ा बहुत मतलब उसके बारे में कुछ भी गारंटी से कह पाना
लगभग अनिश्चित होता है। तो आप ये मान के चलिए 5 से 6 महीने का समय आपके पास पक्का है ही, और इतने में एक फ्रेशर व्यक्ति भी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकता है। उसके बाद देखते हैं कि इस तैयारी में सेल्फ स्टडी कैसे करें। तो इस पर हमने ऑलरेडी कई सारे वीडियो जो है हमारे आरओ यादव के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो कई सारे वीडियो हमारे स्ट्रेटजी में है कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का आता है, किस सब्जेक्ट में हम कौन सा पोर्शन पढ़े, क्या पढ़े, ये सारी चीजें उसमें दी हुई है। उसके अलावा देखिए तो हम लोग कई सारे इनिशिएटिव भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे चलाते हैं, जिसमें कि हमारा ये देखिए निबंध से रिलेटेड हम लोग काफी सारे वीडियोस डालते रहते हैं, उसका लिंक शेयर करते हैं। इसके बाद देखिए क्विज रहती है, उसके बाद आपका डेली एडिटोरियल भी मिलता है आगो हिंदी वाला। आप इसका जैसे देखिए हिंदी वाला जो हमारा पीडीएफ हम लोग रोज प्रोवाइड कराते हैं, इसमें आपको डेली बेसिस पे हिंदी की बहुत ही अच्छी तैयारी होती है और जिसका पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको ऐसे कोटेशन दिया जाता है, शुद्ध अशुद्ध दिया जाता है, तत्व तत्सम दिया जाता है, विलोम शब्द वाक्यांश की एक शब्द, ये सारी चीजें तो आपके प्री में इंपॉर्टेंट है ही, पर्यायवाची हो गए प्री में इंपॉर्टेंट है ही। इसके साथ ही साथ मेंस के भी लिहाज से देखिए प्रशासनिक शब्दावली की हम तैयारी कराते हैं और मुहावरे लोकोक्तियों की और साथ ही ऐसे की कोटेशन की। तो यहाँ पर हम लोग प्री और मेंस दोनों का समग्र रूप से रणनीतिक तरीके से उसको तैयारी करते हुए चल रहे हैं, दोनों को फोकस कर रहे हैं ताकि और केवल इतना ही कर रहे हैं जितना अभी हमारे मेंस के लिहाज से जरूरी है। इतना भी नहीं कर रहे हैं कि हमारा प्री ही ना निकले और मेंस भी जो है वो मेंस में तो उसकी संभावना ही इतना नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग मेंस में किन चीजों को अभी करें यह भी समझना जरूरी है, और साथ ही सारी जितनी भी रणनीतिक स्थितियां हो सकती है वो सभी हमने अपने वीडियो के माध्यम से कवर की है। हम लोग निबंध की भी प्रैक्टिस कराते हैं मेंटली बेसिस पे, और ये भी बिल्कुल निःशुल्क है जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे उपलब्ध रहता है। हालांकि इधर हफ्ते भर से हम लोग थोड़ा सा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ये सब चीजें नहीं आ पा रही है, उसका कारण ये है कि हम लोग अपना जो टेक्निकल अपग्रेडेशन या फिर टीम का जो इंक्रीज करने की प्रोसीजर है उसमें लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं एक जो ऐप की जरूरत हमें बहुत ज्यादा महसूस हुई क्योंकि आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज लेकर आना है, तो इसके लिए हम लोग एक ऐप डेवलप करा रहे हैं अपने ही नाम से। उसी प्रोसीजर में हम लोग लगे हुए थे अभी तक, जो भी कंपनीज में डीलिंग चल रही थी, और उसको हालांकि अभी तक बन जाना था परंतु वह किन्हीं कारणों से उनकी तरफ से नहीं मिल पाए, इस वजह से हम लोग को थोड़ा सा उसमें लेट हो गया। परंतु उसमें आपको निःशुल्क आरओ यारो की टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें आप लोग उसको अटेंड कर सकते हैं। साथ ही वहां पे आरओ यारो के लिहाज से कई सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और वो आप लोगों को निश्चित तौर पे फायदा पहुंचाएंगे। जितनी भी हमारी टीम अभी है, चाहे वो ऑफलाइन की टीम हो या फिर ऑनलाइन की टीम हो, जितनी भी टीम है या फिर हम लोगों ने जो नई टीम भी रिक्रूट की है, वो सारी अभी केवल और केवल आरओ यारो एग्जाम के लिए ही डेडिकेटेड है। तो इसलिए आप लोग ये तय मान के चलिए कि हम लोग आगे भी आरओ यारो के लिए, चाहे वो जीएस हो या हिंदी हो, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन हम लोग एक पैकेज लेकर आ रहे हैं, और सब कुछ फ्री में अवेलेबल रहेगा। आप लोग अगर हमारे वीडियोस से जुड़े रहेंगे, अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, तो आप निश्चित रूप से हम लोगों से लाभान्वित हो सकेंगे, ऐसी मेरी आशा है, विश्वास है, और निश्चित तौर पर आप लोग इस परीक्षा में बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें जो सूचना दी गई है उसकी प्रामाणिकता जांचने के लिए आप लोग इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग पीडीएफ शेयर कर दे रहे हैं, उसको आप लोग देख के ये समझ सकेंगे कि जो आरओ यारओ की नोटिफिकेशन आने की या वैकेंसी आने की जो भी सूचना है, वो मार्केट में जो भी चल रही है, वो केवल अफवाह नहीं है बल्कि उसमें सत्यता भी है। जो हम लोग ने आज से 3 महीने पहले बताई थी उसमें कुछ दम है उन बातों में, और वैकेंसी आपकी आनी तय है, ये एकदम श्योर शॉट है, और उसके लिहाज से आप लोग अगर तैयारी में भी आज से ही जुट जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप लोगों को इसका फायदा मिलेगा, आप लोग भी इस परीक्षा क्रैक कर सकेंगे। चलिए बहुत बहुत